सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जनरल साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ होता है, दैट इज़ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या होता है, इसके क्या क्या टाइप्स हैं, उनके कैसे यूज़ किया जाता है और उनसे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सबसे पहले जो है वो थर्मोमीटर की डेफिनेशन है कि थर्मोमीटर क्या होता है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज़ नोन एज थर्मोमीटर। मीन्स कोई ऐसा डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज़ हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं उसे थर्मोमीटर कहते हैं। इसमें टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर में, थर्मोमीटर को हिंदी में तापमापी भी कहते हैं। इस वीडियो में मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स या कोई भी जिसे हिंदी में चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अब फर्स्ट जो टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर में, फर्स्ट जो टाइप है वो है लिक्विड थर्मोमीटर। लिक्विड थर्मोमीटर का मतलब होता है जिसके अंदर जो मटेरियल है या जो फ्लूइड है वो लिक्विड फॉर्म में है। इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होता है मर्क्यूरी, एक होता है अल्कोहल। यहाँ पे जो मैंने दोनों आपको मेजरिंग यूनिट्स दे रखी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी का मैंने लिखा हुआ है -40 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को जब हमें मेजर करना होता है तो हम मर्क्यूरी का यूज़ करते हैं, और -39 डिग्री सेल्सियस से कम या फिर -115 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को जब मेजर करते हैं तो लिक्विड थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है। इस जो ये मेजरिंग यूनिट्स हैं, एक टाइम इतने लिमिट तक ये मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है मर्क्यूरी, एंड इसका एटॉमिक नंबर, मर्क्यूरी का जो सिंबल होता है वो HG होता है एंड इसका एटॉमिक नंबर 80 है। इसके अलावा जो मर्क्यूरी है ये वाइट कलर की एक शाइनी मेटल है, मतलब कि इसमें चमक होती है और ये एक लिक्विड मेटल है। मर्क्यूरी इकलौता ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मर्क्यूरी इज़ अ शाइनी सिल्वरी लिक्विड मेटल, जो मैंने अभी ऊपर बोला ये एक वाइट कलर का सिल्वर लिक्विड मेटल है। इसके अलावा ये लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर पे। एज आई टोल्ड यू मर्क्यूरी एक ऐसी मेटल है, ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मोस्ट कॉमन एल्कोहल्स में हमारे पास टोटल यहाँ पे 4 हैं और मैंने ये इनके केमिकल फॉर्मुलेज भी दे रखे हैं जो आपको लर्न करने चाहिए। नेक्स्ट है इसमें मोस्ट कॉमन एल्कोहल्स में मिथेनॉल है, इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट जो टाइप है थर्मामीटर का वो है क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर का मतलब है जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। ये शॉर्ट रेंज थर्मामीटर है, मींस कि ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो होता है 97 डिग्री सेल्सियस, आपको पता है ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो जब हमें फीवर होता है तो ये टेम्परेचर जब इस 97 से जब ऊपर जाता है तो हमें पता चलता है कि फीवर है। तो ये शॉर्ट रेंज थर्मोमीटर है, इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तक है, एंड फेरेनहाइट में अगर देखें तो 95 डिग्री फेरेनहाइट से 110 फेरेनहाइट। इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जिस थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है वो क्लिनिकल थर्मामीटर है। थर्मामीटर में आपके पास क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, सपोज़ कोई आपको टेम्परेचर की रेंज दे दी जाती है और उसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम कौन से थर्मामीटर का यूज़ करेंगे, या फिर आपके पास टाइप ऑफ थर्मामीटर मींस कि किसी थर्मामीटर का नाम दे दिया जाता है और उसके बाद में पूछा जाता है कि ये किस रेंज तक के टेम्परेचर को मेजर करता है, या इसके अंदर जो मेटल या नॉन मेटल या फिर इसके अंदर जो मटेरियल फिल किया जाता है वो क्या होता है, या फिर उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऐसे किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है एग्जाम में। अब जो मर्क्यूरी है इसका क्लिनिकल थर्मोमीटर है, इसमें भी मैंने आपके पास हिंदी में लिखा हुआ है, आप चाहें तो ये चीज़ पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए हेल्प फुल होगी।
अब इसमें नेक्स्ट मैंने पॉइंट दे रखा है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, अगर फेरेनहाइट में मेजर करें तो 98.6 डिग्री फेरेनहाइट या 97 भी हो सकता है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। इसके अलावा अगर सेल्सियस में हम देखें तो ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद में नेक्स्ट थर्मोमीटर आता है गैस थर्मोमीटर। गैस थर्मोमीटर इज अ थर्मोमीटर दैट मेजर्स टेम्परेचर बाय द वेरिएशन इन वॉल्यूम और प्रेशर ऑफ द गैस। गैस थर्मोमीटर का जो यूज़ हम करते हैं, इसमें हमारे पास वॉल्यूम या फिर प्रेशर में जब वेरिएशन आती है किसी भी गैस के, तो उस टाइम पे इसका यूज़ किया जाता है। गैस थर्मोमीटर हैड वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर स्केल। जो गैस थर्मोमीटर होती है इसमें जो मेजरमेंट के लिए जो रेंज होती है टेम्परेचर की, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें दे रखी हैं। फर्स्ट है -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस। इस टाइम पे जब हम इस टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो उस टाइम पे अगर प्योर और ड्राई हाइड्रोजन भरा हुआ है उस थर्मोमीटर में, या इसका यूज़ करके हम इतने टेम्परेचर को मेजर करते हैं। इसके अलावा -200 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर है उसमें प्योर एंड ड्राई नाइट्रो, ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यूज आपको दिख रही होंगी, लेकिन ऊपर 500 है, नीचे 1500 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ पे मैंने इसमें लिखा हुआ है, ये आप चाहें तो इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, पूरे पॉइंट्स को ना नोट करके जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगती है आप सिर्फ उतना भी लिख सकते हैं। अगर गैस टेम्परेचर में या जो गैस थर्मोमीटर होता है इसमें क्वेश्चन जब आता है तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमें पता होनी चाहिए, कि गैस थर्मोमीटर का यूज़ करते टाइम हम या तो हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं या फिर नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। अगर हाइड्रोजन का यूज़ हम कर रहे हैं तो 500 डिग्री सेल्सियस तक, 500 डिग्री सेल्सियस तक, और अगर हम नाइट्रोजन का यूज़ करें तो 1500 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेजर किया जा सकता है। और अगर आपको -200 डिग्री सेल्सियस से भी कम के टेम्परेचर को गैस थर्मोमीटर से यूज़ करना है तो उस टाइम पे हम हीलियम गैस को यूज़ करते हैं। इस गैस थर्मोमीटर के से आपके पास तीन क्वेश्चंस बनते हैं, तीनों गैसेज आपको पता होनी चाहिए। एक हमने हाइड्रोजन का यूज़ कब करेंगे, नाइट्रोजन का यूज़ कब करेंगे और हीलियम का यूज़ कब करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो टाइप आता है वो है प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी। इसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक है। प्लैटिनम जो वायर होती है इसमें क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है उसके, जैसे जैसे हम इसमें इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं उसके साथ साथ इसका जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज करता है। तो ये एक इस प्लैटिनम वायर की या प्लैटिनम मेटल की ये एक प्रॉपर्टी है, और इसी प्रॉपर्टी को, इसी गुण को यूज़ करके हमने प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर को बनाया है। अब इसके कुछ पॉइंट्स देखिए आप, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर से आपके पास अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें टेम्परेचर रेंज पूछी जाती है। अब नेक्स्ट थर्मोमीटर है, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो थर्मोमीटर दे रखा है वो है थर्मोकपल थर्मोमीटर। ये जो थर्मोकपल थर्मोमीटर है ये सी बैक के इफेक्ट के ऊपर वर्क करता है। इसमें जो टेम्परेचर रेंज है वो -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक है। अब सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि सी बैक इफेक्ट क्या होता है या सी बैक का जो प्रभाव होता है उसे हम क्या कहते हैं, ये भी मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे आप देखिए सी बैक के इफेक्ट का क्या मतलब है, एक करंट है फ्लो इन अ सर्किट, अ करंट फ्लो इन अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ टू डिसिमिलर मेटल्स विच जंक्शन इज हीटेड एंड अदर जंक्शन इज केप्ट कोल्ड। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो डिसिमिलर मेटल्स हैं, एक है आइस और एक है हॉट, मतलब कि एक जो मेटल है वो ठंडा है और एक दूसरा क्या है, गर्म। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो मेटल्स का यूज़ किया, कॉपर और आयरन। अब जो आपका इसमें दे रखा है कॉपर एंड आयरन, इसमें देखिए जब कॉपर है ये इसका जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो ठंडे से गर्म की साइड जाता है, और जो आयरन है वो गर्म से ठंडे की साइड जाता है। इट मीन्स इस इफेक्ट में, सी बैक इफेक्ट में क्या होता है कि ये दोनों चीज़ें जब तक हीट होती हैं या जब तक इनमें टेम्परेचर में वेरिएशंस आती हैं, जब तक ये दोनों इक्वल टेम्परेचर पर नहीं आ जाती, मीन्स कि एक ठंडे से गर्म पे, लोअर हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में इसमें जो टेम्परेचर है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। ये सी बैक का इफेक्ट है। इसमें मैंने यहाँ पर इस फॉर्म में भी बता रखा है, एक हॉट है एक कोल्ड है, और यहाँ पे मेटल ए एंड बी, दो सेपरेट मेटल्स का यूज किया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है सी बैक के इफेक्ट में हमने कौन से दो मेटल्स का यूज़ किया है, तो उसमें एक कॉपर है और एक आयरन है, तो आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको सी बैक के इफेक्ट के इस एक्सपेरिमेंट
इस थर्मोमीटर को हम थर्मोकपल थर्मोमीटर के नाम से भी जानते हैं। लास्ट टाइप ऑफ थर्मोमीटर है टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। टोटल रेडिएशन पायरोमीटर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण विकिरण तापमापी। इसमें जो टेम्परेचर रेंज है इसकी वो है -800 डिग्री सेल्सियस से 3000 और 4000 डिग्री सेल्सियस तक। ये एक हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये जो टेम्परेचर है या ये जो थर्मामीटर है इसमें जब हम टेम्परेचर के मेजरमेंट को जिस टाइप के मेजरमेंट को यूज़ करते हैं तो वो बेसिकली किसी भी बॉडी के जब उसको हीट किया जाता है तो उससे निकलने वाली रेज जो किरणें उससे निकलती हैं उसके इफेक्ट पे इसका